वेलकम बैक टू माय चैनल वाओ फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज एरर के जो कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूलाज होता है उनको कैसे सॉल्व करना है। ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रीज़न इज़ कि इससे हर साल क्वेश्चन, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई का मेन्स हो या एडवांस हो, इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। इवन दोनों में बनेगा, मेन्स में भी बनेगा, एडवांस में भी बनेगा। और इसको यूज़ करने के लिए, इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर आपको ये टेबल फॉर्मेट पता है और उसके आपने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया ना, तो इसका कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना, उस टेबल को बहुत ध्यान से समझना। एक बार हम लोग टेबल से इसकी कॉन्सेप्ट की थ्योरी पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी हैव अ टेबल हियर, उसके अंदर दो रोज दे रखी है हमको, दो कॉलम्स दे रखे हैं। द फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ फॉर्मूला एंड द सेकेंड वन इज एरर कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब है कि हमको जो ये जो टाइप ऑफ फॉर्मूला वाला रीज़न है, इसके अंदर है कि हमको क्वेश्चन में किस टाइप के फॉर्मूले से कैलकुलेशन का बोला है, वो एडिशन फॉर्म में है, वो सब्सट्रैक्शन फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन में, या किस फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमको फॉर्मूला कुछ ऐसा दे रखा है x इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो उस केस में हमारी जो परसेंटेज एरर होगी ना, वो होगी डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बेसिकली वी हैव थ्री पैरामीटर्स x, a एंड b। यहाँ पे हमको दो पैरामीटर गिवन होगा और जो थर्ड पैरामीटर है उसका हमको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। वो a भी हो सकता है, वो b भी हो सकता है, वो x भी हो सकता है। जो चीज़ अपने को निकालनी है वो अपन लेफ्ट हैंड साइड में रख के उसके बाद में राइट हैंड साइड में क्या फॉर्मूला बनता है उसके अकॉर्डिंग हमको ये जो कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूलाज है ये अप्लाई करना है। सो द फर्स्ट वन इज एडिशन वाला, जिसमें x इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो सिंपली हमको डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यहाँ पे डेल्टा ए क्या है और डेल्टा बी क्या है, तो जो डेल्टा ए है ना, वो ए पैरामीटर में जो एरर है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कि डेल्टा ए या फिर एरर इन ए इज दिस, और उसी टाइप से जो बी है वो भी हमको गिवन होगा और इसलिए हमको x फाइंड करना है। तो बेसिकली डेल्टा ई ए एंड डेल्टा बी जो है वो हमारी ए और बी में जो एरर है वो दे रखा है। ओके ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आप देखो कि ये दोनों ही जो फॉर्मूलाज है वो कॉम्बिनेशन है वो एकदम सेम है, चाहे हम एडिशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे साइन का कोई भी रोल नहीं होगा, दोनों के लिए फॉर्मूलाज सेम रहेंगे। हमको सिंपली ए और बी की जो एरर्स है ना उसको ऐड करके हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो निकल जाएगा। नाउ द थर्ड टर्म इज एक्स इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी। जब हमको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दे रखा होगा ना, तब उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये परसेंटेज एरर तो कुछ 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में हो जाएगा, सॉरी ये ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगी। सो द फॉर्मूला इज डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि डेल्टा ए क्या है और ए क्या है। तो आपको जो एरर होगी जो होगी ना वो इस फॉर्म में दे रखी होगी, फॉर एग्जाम्पल 6 प्लस 0.06, तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा डेल्टा ए हो जाएगा। वो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको इजीली क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि क्या ए दे कर रखा है क्या क्या डेल्टा ए दे रखा है। तो हमको बस सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, प्लस साइन लगाना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसी टाइप से अगर हम लोग इस फॉर्मूले की बात करेंगे कि ए डिवाइड बाई बी, इस केस में भी हमारे पास सेम फॉर्मूला होगा, नो मैटर हम लोग मल्टीप्लीकेशन की बात करें या डिवीज़न की बात करें, दोनों ही केस में जो एरर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। उसी टाइप से चाहे एडिशन की बात करें या सब्ट्रैक्शन की बात करें, दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम रहेगा। फिर उसके बाद में आता है कि अगर हमको कुछ टर्म्स दे रखी हो, स्क्वायर टर्म दे रखी है, रूट टर्म दे रखी है, कुछ ऐसा दे रखा हो कॉम्बिनेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कैसे एरर फाइंड आउट करनी है। तो उसको सिंपली आपको ये करना है कि जो भी यहाँ पे ये टर्म दे रखी है ना, स्क्वायर टर्म हो चाहे रूट वाला टर्म हो, रूट के केस में 1/2 हो जाएगा, उसको हमको आगे लेके आ जाना है। जैसे आप लॉग को सॉल्व करते हो ना, सेम वही पैटर्न है, आपको ए को आगे रखना है, फिर सेम वो फॉर्मूला लगाना है जो हमने मल्टीप्लीकेशन और डिविज़न के अंदर पढ़ा है। उसी टाइप से बी की जो टर्म है यहाँ पे दे रखी है वो यहाँ पे आगे की साइड पुट करके और उसको फॉर्मूला रखना है, इस साइड से हमारी ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो बेसिक पांच फॉर्मूला है ना, इसको यूज़ करके आप कोई भी एरर का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। हियर वी हैव गिवन कि हमको जो ये एक्स है इसके अंदर परसेंटेज एरर हमको फाइंड आउट करना है, और लेकिन हमको ए बी सी एंड डी इन सब के परसेंटेज एरर गिवन है, विच इज़ 1%। ए के केस में यह है 1%, बी के केस में इट इज़
2%, सी के केस में 3% एंड फोर के केस में 4%। ये मैंने सिंपली क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सिंपल डेटा लिए, बट जब आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि काफ़ी कैलकुलेटिव डेटाज भी आते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ है इंपॉर्टेंट कि जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो हमको देखना है कि मैंने आपको बताया था कि जो एरर में मेजरमेंट में जो एरर होगी वो कुछ इस फॉर्म में गिवन हो रखी होगी, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं गिवन है, हमको डायरेक्टली परसेंटेज एरर ही दी हुई है ए बी सी और डी की। तो हम सबसे पहले इसको हमारा जो फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट करेंगे, विच इज़ परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो मैंने जब बताया था कि जब टर्म्स आती है स्क्वायर या फिर रूट वाली टर्म आती है तो उस टर्म को हम लोग आगे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस नेगेटिव साइन तो हमको कहीं यूज़ ही नहीं करना है। हियर वी हैव क्यूब, हियर वी हैव 3 टर्म, तो इट विल बी 3 डेल्टा b प्लस b। द नेक्स्ट थिंग इज जो नीचे वाली टर्म होगी ना उसको भी हमको ऐड ही करना है, वो हमने फॉर्मूला में ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे रूट दे रखा है, तो रूट के लिए जो हमारी पावर होगी ना वो होगी 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी, और डी पे कोई भी पावर नहीं दे रखी है तो इनको डायरेक्टली लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन डी। सो हियर वी हैव द डेटा। नाउ परसेंटेज एरर हमको डायरेक्टली गिवन है विच इज़ 1%, तो 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 4 × 1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो हमको सिंपली इसको कैलकुलेट करना, ये हो जाएगा 4। एंड अगर हम लोग इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो 8 + 4 = 12 + 1.5 विच इज़ 13.5%। जो हमारी डेल्टा एक्स यानी एक्स में जो हमारी परसेंटेज एरर होगी वो होगी कुछ 13.5%। ये बहुत ही ईजिएस्ट एग्जाम्पल था समझने के लिए। इसके बाद वाले जो वीडियोस होंगे उसके अंदर हम लोग जेई के मेंस या एडवांस में या नीट के अंदर जो क्वेश्चन आए होंगे ना उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।